आज आपको बिरयानी कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि मैंने पिछली बार जब बिरयानी बनाई थी तब फुल इंग्रेडिएंट कैसे कैसे किया, पूरी रेसिपी नहीं डाली थी। ठीक है, मैं भी आपको बता रही हूँ। ये लिया है मैंने 2.5 किलो चिकन, 2 से 2.5 किलो चिकन है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ में मैंने इसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, मीरे और तेजपान को थोड़ा सा पीस लिया है और इसमें कलमी डाली है। दालचीनी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है, हल्का सा ही दरदरा पीस लिया है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जब बहुत ज़्यादा पाउडर कर दे तो इसका फ्लेवर ठीक से नहीं आता है। साथ में मैं डालूँगी इसमें कुछ 5-6 हरी मिर्च, कुछ पुदीना के पत्ते जिसको मैंने पानी में रखा था थोड़ी देर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमें ज्यादा नहीं डालनी है, मैं थोड़ी सी डालूंगी, सिर्फ 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच। हल्दी, हल्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ मैरिनेट करने के लिए। अगर हम हल्दी बहुत ज़्यादा डालते हैं तो चावल कैसे पूरा पीला पीला हो जाएगा मिक्स करने के बाद, इसलिए हल्दी हम बहुत कम डालेंगे। साथ ही में नमक स्वादानुसार, तेज पत्ता, और प्याज की पेस्ट। जैसे हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बना लेते हैं, हमें वैसे ही पेस्ट बनानी है। मैंने कम से कम इसमें 7 से 8 प्याज लिए हैं। और लास्ट में इसमें मैं ऐड करूंगी दही। मैंने 1 लीटर दही लिया है, बट 1 लीटर नहीं लगता है, 3 पाव वगैरह लग जाएगा इसमें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने अच्छी ही हरी मिर्ची डाली है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अभी मैं इसे 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैं इसको मैं फ्रीज में रखूंगी, फ्रीज में लगने के बाद अच्छी तरह से मसाला पूरे चिकन में लग जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम चिकन को मैरिनेट करके ही रखेंगे उसके बाद ही हमें बनानी है, हम तुरंत भी बना सकते हैं, पर अगर ऐसे हम मैरिनेट करके रखते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा उभर कर आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने चिकन जब भी मैरिनेट कर लिया था वो है ये, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और हमारा पानी बॉइल हो चुका है। मैंने इसमें ऐड किया है जीरा और थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारे चावल चिपके ना। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारे धुले हुए चावल। पानी हमारा अच्छी तरह, हमको पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है। और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक ताकि हमारे चावल को अच्छी तरह से नमक लग जाए। जब तक हमारे यहाँ चावल हो रहे हैं, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन को ऐड कर लेंगे। नहीं,
हमारा 2.5 से 3 किलो के आसपास हमारा चिकन था। हमारे मैंने पूरा इसमें चिकन डाल दिया है। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट होने देती हूँ, स्टीम आने देती हूँ। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चावल। इसे मैं थोड़ा ढककर रख देती हूँ। यहाँ मेरे चावल कुक हो रहे हैं। जब मेरे चावल 80% से 70% कुक हो जाएंगे तब मैं इसको चिकन में ऐड कर दूंगी। हमारे चावल 80% कुक हो चुके हैं तो मैं इसको डाल रही हूँ चिकन में। मैं इसके पहले एक बार चिकन को घुमा लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर इसमें हम चिकन को मैंने अच्छे से घुमा लिया है। दही से मैरिनेट किया हुआ है तो चिकन को पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं छन्नी की सहायता से पूरा पानी झाड़ ले रही हूँ और डायरेक्ट इसमें ही ऐड कर रही हूँ। मैं ये 15 लोगों के लिए बना रही हूँ बिरयानी। मेरी बिरयानी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप देखिए चावल को कैसे तरह से डाल रही हूँ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी सहायता रही, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे व्यूवर्स बढ़ गए तो मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही आसान होंगी और बिल्कुल घरेलू होंगी। और आपको ब्लॉग भी दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी। और पूरे चावल मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके कलर डालूंगी क्योंकि सिर्फ कलर डालने से क्या होता है अच्छा। और हमें कलर डायरेक्ट नहीं डालना है, कलर हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, इसे हम पानी में थोड़ा घोल कर ही डालेंगे। इस कलर डायरेक्ट डालने से क्या होता है, पूरा चावल को एक ही कलर आ जाएगा। और इसे ड्रॉप ड्रॉप कर डालने से क्या होता है कि कुछ चावलों को लगता है और कुछ चावलों को नहीं। अभी मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है, अभी और मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज। इसमें ग्रीन और थोड़ा ऑरेंज कलर में डाल रही हूं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूं। मेरा कलर डालकर हो चुका है और इसमें मैं ऐड करूंगी अब थोड़ा सा घी। आपको तो मैंने इसके पहले भी बताया था घी हमारे लिए, घी के बगैर बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं, घी तो डालना बनता ही है। इसे अभी हमें दम तवे पर दम करने के लिए छोड़ देती हूँ 35 मिनट्स के लिए। इसे मैं अच्छी तरह से भारी ढक देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। मैंने इसे दम करने के लिए रख दिया है और इस पर कुछ हेवी चीज रखूंगी। इसके लिए मैं ये सिलबट्टा रख रही हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 35 मिनट पकने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है।
करने के लिए आप बिरयानी वीडियो लगी लाइक कमेंट कर जरूर बताएं।